द सेक्रीफाइस रेशो स्टूडेंट इन्फ्लेशन के हवाले से आज हम बात करेंगे सेक्रीफाइस रेशो की वन अन एंटीसिपेटेड टाइट मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज आर यूज टू रिड्यूस इन्फ्लेशन ओके दे रिड्यूस आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर अ टाइम अकॉस्ट डेट मस्ट बी वेड अंगेंस्ट द बेनिफिट्स ऑफ लोअर इन्फ्लेशन कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जब भी हम टाइट मॉनेटरी या फिजिकल पॉलिसी यूज़ करेंगे तो इसके नतीजे में इन्फ्लेशन तो कम होगा लेकिन इसकी कॉस्ट भी होगी ठीक है कॉस्ट किस सेंस में होगी हमने देखा लास्ट मॉड्यूल में कि रिसेशन होगा अनएम्प्लॉमेंट में इजाफा होगा आउटपुट में कमी होगी तो ये इस कॉस्ट के हवाले से हम देखेंगे कि सेक्रीफाइस रेशियो उस कॉस्ट को रिप्रजेंट करेगी सो इकॉनमिक्स यूज द सेक्रीफाइस रेशियो एज अयर ऑफ दिस कास्ट द सेक्रीफाइस रेश्यो इज़ द नंबर ऑफ परसेंटेज पॉइंट्स ऑफ आउटपुट लास्ट इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन बाय वन परसेंटेज पॉइंट इन्फ्लेशन को एक परसेंटेज पॉइंट कम करने के नतीजे में आउटपुट में कितनी कमी बाकी होती है इसको हम कह रहे हैं कि दिस इज़ द दिफाइस रेश्यो। सो एक स्टडी थी भारत की यू इकॉनमी पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर इन्फ्लेशन में कमी आई एट परसेंटेज पॉइंट परसेंट और परसेंटेज पॉइंट का भी डिफरेंस मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ठीक है ये परसेंटेज पॉइंट है आपने इसको समझना परसेंट नहीं है ठीक है सो परसेंटेज पॉइंट एट पॉइंट एट थ्री परसेंटेज पॉइंट में उसमें कमी आई नाइनटीन एटीज़ में उसके नतीजे में आउटपुट में जो कमी है वो सिक्सटीन पॉइंट एटीन परसेंट ऑफ द नेशनल पोटेंशियल आउटपुट के जो पोटेंशियल आउटपुट थी जो हो हो सकती थी जो पोटेंशियल इकॉनोमी की जो पोटेंशियल आउटपुट है उसमें सिक्सटीन पॉइंट वन एट परसेंट उसमें कमी है ये परसेंट कमी है इन्फ्लेशन में परसेंटेज कमी है आउटपुट में परसेंट कमी ओके सो सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे सिक्सटीन पॉइंट वन एट को एट पॉइंट एट थ्री से डिवाइड किया तो वन पॉइंट एट थ्री टू इसका आंसर है तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन को एक परसेंटेज पॉइंट कम करने के नतीजे में ओके okay. जो आपकी पोटेंशियल आउटपुट थी उसमें 1.832 परसेंट कमी वाकई हुई सो बेल स्टडी द सेक्रीफाइस रेशियो फॉर मैनी डिफरेंट डिस इन्फ्लेशन अराउंड द वर्ल्ड इन नाइनटीन 70s एंड 80s सो so, ये सैक्रीफाइस रेशियो जो थी इट वे सब्सटेंशियली अक्रॉस कंट्रीज फ्राम लेस देन वन टू आलमोस्ट थ्री परसेंट तो मुख्तलिफ़ सिचुएशन में ये रेशियो की वैल्यू मुख्तलफ आई और ये वन से थ्री लेस दैन वन परसेंट से आलमोस्ट थ्री परसेंट तक इसमें इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ नोट की गई वन फैक्टर अफेक्टिंग द सेक्रीफाइस रेशियो इज़ द फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ द लेबर मार्केट कि ये सेक्रीफाइस रेशियो किस पर डिपेंड करती लेबर मार्केट की फ्लैक्सीबिलिटी पर जितनी ज़्यादा फ्लेक्सीबल होंगी उतनी सेक्रीफाइस रेशियो कम होगी और जितनी वो लेस फ्लेक्सीबल होंगी उतनी ये ज़्यादा होगी सो कंट्रीज विच स्लो वेज एडजस्टमेंट यहाँ पर यानी फ्लेक्सिबिलिटी कम है वेजेस स्लोली एडजस्ट होती हैं उसके रीज़न क्या हो सकती है गवर्नमेंट हैवी गवर्नमेंट रेगुलेशन हैं लेबर मार्केट के लिए ओके सो इन दोज कंट्रीज दे हैव हायर सेक्रीफाइस रेशो सो आज हमने बात किया कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जब भी कोई पॉलिसी मॉनेटरी, फिस्कल पॉलिसी यूज़ की जाएगी उसके नतीजे में जो कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ़ आउटपुट एंड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ठीक है कि आउटपुट कम हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो जाता है वो वो जो है कि एक परसेंटेज पॉइंट इन्फ्लेशन कम करने के लिए कितने परसेंट पोटेंशियल आउटपुट में कमी बाकी होती है तो ये वन से थ्री परसेंट तक के दरम्यान में ये ऑब्ज़र्व की गई ये वैल्यू और इसका ताल्लुक इस बात के साथ है कि उस मुल्क में लेबर मार्केट कितनी फ्लैक्सीबल है ओबियसली जो परफेक्टली फ्लैक्सीबल होगी वहाँ पर यह कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा थैंक यू